बागेश्वर महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने को लेकर छात्र संघ और जिला प्रशासन में टकराव पड़ता ही जा रहा है। जिला प्रशासन कॉलेज में कोविड अस्पताल बनाने पर आमादा है, वहीं छात्र संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पेश सुरेश पांडे की रिपोर्ट। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। अपर जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी ने आज महाविद्यालय पहुंचकर कोविड अस्पताल बनाए जाने को लेकर भवनों की उपलब्धता को देखा। इधर जिला प्रशासन की कोशिश का विरोध करते हुए छात्र संघ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को भी जिला प्रशासन व छात्र संघ की वार्ता बेनतीजा रही। छात्र संघ ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा चेतावनी दी कि यदि विरोध के बाद भी कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर तभी बनेगा जब ज्यादा संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलेंगे। उन्होंने छात्रों की आशंका को बेबुनियाद करार दिया है। अपने एक प्रकार से छात्र छात्राओं के खिलाफ रवैया अपनाते हुए जिस प्रकार जबरन महाविद्यालय में कोविड सेंटर बनाने पर अड़ा हुआ है, तो उसी पर आज छात्र संघ और समस्त छात्र संगठन एक होकर 13वें दिन भी लगातार अनशन पर बैठे हैं। आज यहाँ जिला प्रशासन आया और जिला प्रशासन ने जिस प्रकार हमसे चर्चा वार्ता की, तो जिला प्रशासन लगातार एक प्रकार से यह बात कर रहा है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को न देखते हुए जहाँ महाविद्यालय में सभी गतिविधियाँ संचालित होनी है, उसमें भी जिला प्रशासन इस धुन पर आमादा है कि आने वाले समय में वो यहाँ कोविड सेंटर बनाने की बात कर रहा है। लेकिन छात्र संघ एवं समस्त छात्र संगठन एक होकर अभी भी एक है और आने वाले समय में भी इसके लिए जो विरोध होगा या विरोध और भी उग्र रूप ले सकता है। जिला प्रशासन बार बार यहाँ पर कोविड सेंटर के लिए प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ को अग्रिम कर रहा है कि आप यहाँ पर कोविड सेंटर बनने दें। हमने वार्ता की कि कई भवन जिला प्रशासन के पास खाली है, जैसे CMO यहाँ नीचे क्या कहते हैं निर्वाचन विभाग, उनके पास कई भवन खाली है, फिर भी उनको ना देखते हुए नीचे इंडोर स्टेडियम हमने वो भी बताया ना उनको देखते हुए सिर्फ उनको कॉलेज ही चाहिए जहाँ पर गतिविधियाँ छात्र छात्राओं की गतिविधियों के लिए। UGC ने एक गाइडलाइन दी कि छात्र हितों के लिए कोई भी ऐसा काम न करा जाए जहाँ पर कोविड सेंटर का खतरा हो या भय हो, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन भेजी है। फिर भी जिला प्रशासन अपने जिद पे अड़ा हुआ है कि हम कोविड सेंटर बागेश्वर महाविद्यालय को बनाएंगे। अगर बागेश्वर महाविद्यालय को अगर कोविड सेंटर बनाते हैं तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? क्या आप उनको जिला प्रशासन में जगह देंगे पढ़ने के लिए या उनको नए भवनों के लिए? आज तक कभी नहीं सोचा। ये बिल्डिंग 10 साल से डंप है, वो हैंडओवर नहीं हुई, फिर भी जिला प्रशासन ने उनके बारे में नहीं सोचा। अगर जिला प्रशासन में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।